अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है मेरा सेकंड व्लॉग वीडियो। तो यहाँ देखिए नवाबजादा कैसे सो रहा है, कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। सोते हुए ना बच्चे अलग से ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, दिल करता है उनको छेड़ते जाएँ, लेकिन ना ये गलती बिल्कुल ना करना। और यहाँ देखो दूसरा नवाब भी सो रहा है। अच्छा, इनके पापा सुबह उठ के चले गए थे काम पर, तो मैं भी सुबह उठी थी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है ना वॉशरूम में इसके कुछ कपड़े पड़े होते हैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि इसके तो रोज़ाना जो है अब्दुलरहमान के कपड़े होते ही होते हैं, तो वो धोने होते हैं मुझे, तो वो धो लिए थे मैंने, फिर सुखा दिए थे। मैं भी आपको दिखाऊँगी आगे जाके कपड़े। ये टॉवल मैंने रेडी रखा हुआ है पहले से, क्योंकि अब्दुलरहमान उठेगा फिर उसको फ्रेश करना है, फेस वगैरह वॉश करवाना है इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, मैं सुबह उठी थी, इसके कपड़े वगैरह धोए, मैंने पानी आता है सुबह हमारा, तो पानी भरा और कपड़े धोए और वॉशरूम भी धोया। और मैंने जो है आज फ़िश पकाने का इरादा था, तो मैंने सोचा आज बंगाली स्टाइल में फ़िश पकाऊंगी, तो आप लोगों से भी अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि मेरा जो बेटा है बड़ा वाला अब्दुल सुबहान, उसको बहुत इचिंग हो रही है बॉडी पर, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करके रखा है, रोज़ उसको नहलाती हूँ। ये मैंने फ़िश निकाली नीचे वाले फ्रिज से, क्योंकि मैं सुबह जब उठी थी तो मैंने ऊपर वाले फ्रिज से नीचे ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए, और अब मैं पकाऊंगी इसलिए मैंने निकाल के रखा है। तो यहाँ मैं चाय बनाने लगी हूँ, आज पराठे नहीं बनाऊँगी, जिस समय बहुत थकान हो रही, क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा बुखार था, तो आज मैं पराठे नहीं बना रही। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि केक ले आए या कोई टोस्ट वगैरह ले आए, तो मैंने वो केक लेकर आ गए हैं, तो आज चाय और केक खा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है मैंने दूध चूल्हे पे चढ़ा दिया है, चाय पक रही है। मेरा ध्यान बच्चों की तरफ भी होता है कि बच्चे कहीं जाग ना जाए, डर लगता है ना, बच्चा छोटा है तो डर जाए या गिर ना जाए, अभी थोड़ा फुर्तीला हो गया ना, तो बहुत मस्ती करने लग गया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है दूध अभी तक उबल नहीं रहा, क्योंकि गैस बहुत कम आती है, पता नहीं सर्दियों में भी बहुत कम गैस आती है और गर्मियों में भी कौन सा गैस आती है, बहुत मसला हो गया है पाकिस्तान में, किसी चीज़ की सहूलियात नहीं है, हर चीज़ की सहूलियात ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ बच्चों को देखने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो चाय मेरी तैयार हो गई है, चाय डाली मैंने, अब जाके मैं अब्दुल सुबहान को उठाऊँगी और फिर हम दोनों वहाँ बेटा नाश्ता करेंगे। हम दोनों ही होते हैं नाश्ते पर, तो सिर्फ मैं 2 कप ही चाय बनाती हूँ, और हम लोग वैसे ज़्यादा चाय पीते हैं, जैसे नाश्ते में ही लेते हैं, तो इसलिए मैंने 2 कप ही बनाई थी। वो देखो जी इसके तो यही काम है, ये ऐसे सोएगा वैसे सोएगा, इसको मैं बार बार सेट करती रहूँ, रात को भी 1000 दफ़ा मैं इसको सेट करती रहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हिलता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं इसको जगा रही हूँ, कितने मासूमियत से सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहा था, बहुत गहरी नींद में था, हालांकि 1:30 बज रहे थे लेकिन अब तक नहीं उठ रहे थे ये लोग, क्योंकि ये नवाब जो छोटू है ना, ये 4 बजा देता है सोते सोते, और फिर जो है सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे हमने चाय और केक से नाश्ता कर लिया था, वो देखो जी इतने में ही उठ गया मेरा शहजादा बस नाश्ता करके उठे ही थे कि ये उठ गया और अपने नखरे दिखाने लग गया है। यहाँ पे इसने भी नहा लिया है, और फिर मैंने फ़िश जो है उसको धोने के लिए आ गई हूँ। मैंने अब्दुलरहमान को चुप करा दिया था, उसको फीड करा दिया, और अब्दुलसुबहान को उसके साथ बिठा दिया टॉयस लेके। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर से भी फ़िश हम कटवा के लेके आते हैं ना, तब भी उस पर बहुत कचरा रह जाता है, जैसे उस पर जो छोटे छोटे छिलके होते हैं ना, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है ना सालन में फिर अच्छा नहीं लगता है, चाहे फ्राई हो या सालन हो। तो मैं फ़िश को बहुत अच्छे से धोती हूँ, मुझे हर किसी का पकाया हुआ फ़िश अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उस पर बहुत सी गलाजत रह जाती है। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे वॉश बेसिन में क्यों जो है फ़िश साफ़ करी, तो मेरे असल में मेरा किचन का जो सिंक है वो ख़राब है, उसमें पानी नहीं आता ना जाता है, तो मैंने जो है ये जो किचन के बाहर लगा हुआ, इसको मैंने परमानेंटली किचन के लिए ही यूज़ करने के लिए बना लिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ किचन के बर्तन धोती हूँ, ये गोश्त वगैरह धोती हूँ, यही करती हूँ।
यहाँ मैंने अच्छे से फ़िश को धो लिया, अच्छे से फ़िश का गंदा पानी था कचरे वाला वो मैंने डायरेक्ट वॉश की कटरी में गिरा देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत से छोटे 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 बारीक जो कचरे होते हैं वो बेसन के सिंक में फंस जाते हैं, इसलिए अच्छा है कि आप भी डायरेक्ट उसको वॉश बाथरूम में गिरा दिया करें। फिर यहाँ पर मैंने नमक डाल के फ़िश को धोया है। हम लोग बंगाली जो है हम जो है फ़िश को नमक डाल के धोते हैं, इसमें से जितना भी कचरा होता है, बदबू होती है, जैसा भी पुराने से पुराना फ़िश भी हो ना, सॉल्ट डाल के धोने से और हल्दी भी डाल के धोने से बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, जो लोग करते हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं करते बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता उनके लिए कह रही हूँ, ऐसे करके देखिएगा फ़िश बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, एकदम फ्रेश हो गई है। और बड़ा मज़ा आता है ना जब हम गोश्त वगैरह कच्चा निकालते हैं फिर उसको धो के रख देते हैं, कैसा दिल को सुकून मिलता है यार, आधा काम तो हो ही गया। जैसे यहाँ पे मेरा फ़िश धुल गया था तो मैंने जो है ना उसको फिर रख दिया पानी छाड़ने के लिए, और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया इसको, क्योंकि फ़िश के मामले में जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फ़िश बहुत जल्दी जो है ना नरम होने लग जाता है। तो मैंने वेजिटेबल्स यहाँ पे काट लिए हैं अपने, धनिया मैंने निकाला वो मैं एंड में डालूँगी इसलिए एंड में ही काटती हूँ। तो यहाँ मैंने पतीला ले लिया सालन पकाने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ देखते जाइए कि आज मैं बंगाली स्टाइल में सालन कैसे बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। तो ऑयल जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया, बस थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल देंगे फिर, और प्याज वगैरह डाल देंगे। तो ज़्यादा देर तो नहीं पकाना, बस प्याज भुन जाए अच्छे से, प्याज कच्चे नहीं रहने चाहिए, प्याज को अच्छे से भून लें कि कच्चे ना रह जाए, क्योंकि कच्चे रहते ना फिर सालन में जब दिखते ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं जो मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ, चाहे मसाला भूनने में जितना भी टाइम लगे, प्याज जब तक पकते हैं ना तो तब तक मैं बाकी काम करी, जैसे कभी सालन में आलू डालना हो या कोई और वेजिटेबल्स डालने हो तो मैं वो काटने लग जाती हूँ। यहाँ मैं अरबी डालूँगी, तो मैं अरबी भी साथ साथ काट रही थी, वो मैं शूट करके दिखा नहीं पाई, तो अरबी छील रही थी मैं। और फिर प्याज जब अच्छे से गुई गुई से हो गए हैं तो फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, एक ही टमाटर लिए, मैं बहुत ही कम सालन बना रही हूँ। आप देखा होगा फ़िश भी बहुत थोड़ा सा ही है, क्योंकि हम लोग दो ही लोग हैं घर पर और हमारा खाना भी बहुत कम होता है, मैं खाती हूँ उसके बाद मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, वो जो है बाहर होते हैं, एक टाइम खा लेते हैं मुश्किल से, वो हर टाइम काम पे होते हैं, शाम में आते हैं बस शाम में एक टाइम खाते हैं, सुबह नाश्ता भी नहीं करते, बस ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं देती नहीं उन्हें नाश्ता, वो खुद नहीं खाते हैं उनको, क्योंकि उनको कहते हैं कि सुबह सुबह उनको नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो खाते नहीं हैं। कभी कभी उनका मूड होता है तो बाहर चले जाते हैं, चाय पराठा हम सब खा लेते हैं एक साथ। यहाँ पर मैंने अरबी छील लिए हैं, उसको भी मैं नमक से धोऊँगी, अरबी को भी नमक से धोना चाहिए। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है लेकिन मसाले का बिल्कुल चिपक रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर पकाऊँगी, फिर अरबी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा मसाला अच्छे से जितना अच्छा बनेगा ना आपका सालन उतना ही अच्छा बनेगा, चाहे कोई भी सालन हो। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, एक चम्मच हल्दी शामिल कर दी और सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया, और यह फ़िश फ्राई मसाला शान का, यहाँ से भी तकरीबन एक चम्मच जितना जो है मैं मसाला डाल देती हूँ। बस यही चीज़ें हैं जो सालन में ऐड करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन चंद चीज़ों से आप सालन पकाएं, देखिए आप भी कहेंगे कि वाकई यार ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब डालो तो काफ़ी है। अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भून गया है, मैं तब तक भूनूंगी जब तक मेरा मसाला तेल ना छोड़ दे। यहाँ देखेंगे आपके बबल्स बबल्स ऊपर आ गए हैं, तो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं अच्छे से तब तक भूनूंगी जब इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल की परत, तो फिर मैं इसमें अरबी ऐड कर दूँगी। और फिर देखिए अरबी ऐड करने के बाद इसमें जो है थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फौरन पानी डाल दीजिए, वरना जो अरबी जो है ना वो फिर जल्दी गलते नहीं है। अच्छा फ़िश और अरबी दोनों को एक साथ ग्रेजुअली मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि अरबी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और फ़िश जो है वो बहुत नरम होती है। फ़िश और ये अरबी एक साथ डालेंगे तो फ़िश जो है आपकी गल जाएगी बिल्कुल और अरबी कच्चे कच्चे रह जाएंगे, इसलिए दोनों को एक साथ मत डालिए। अरबी को कम से कम 10 मिनट तक पहले पकाइए, उसके बाद फ़िश ऐड कर दीजिए। तो यहाँ मेरी अरबी 10 मिनट तक पक गई है, मतलब आधा पक गया है, तो मैं इसमें फ़िश ऐड कर दिया है और फ़िश के हिसाब से पानी भी ऐड कर दिया है।
अब यहाँ जो है फिश को मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा चम्मच हिलाया और फिर ढक दिया, और मैंने अपने हिसाब से भी पानी भी ऐड कर दिया था। इसको मैंने 15 मिनट तकरीबन पकाया है। यहाँ देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथ से हिला रही हूँ, ज़्यादा तेज़ी से मत हिलाइए क्योंकि फ़िश बहुत नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हम गोश्त समझ के इसको हिलाते रहते हैं और वो बिल्कुल फिर बिखर जाता है, अच्छा नहीं लगता। बस मेरा सालन तैयार है, मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है और बस रेडी। देखिए कितना अच्छा सालन बना और उसका वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था इसका। तो अब जो है शाम हो चुकी है, ट्यूशन के बच्चे आए थे वो पढ़ के चले गए, मेरा बेटा भी ट्यूशन गया था वो भी ट्यूशन से आ गया। तो अब जो है मैंने अब्दुलरहमान सो गया है शाम को, तो मैं जल्दी जल्दी जो है सफाई कर ली, झाड़ू लगा लिया, बर्तन धो लिए, खाना वाना भी खा लिया और अब जो है मैं पोछा लगाने लगी हूँ। उसके पापा आए हुए थे तो पापा के साथ खेलते खेलते सो गया, तो मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाने लगी हूँ। वॉशरूम में अभी भी देखा होगा आपने जो है अब्दुलरहमान के कपड़े पड़े हुए हैं, हर वक्त उसके कपड़े वॉशरूम में होते हैं, वॉशरूम में उसके चड्डियाँ होती रहती हैं। उसको मैं ज़्यादा टाइम पैम्पर भी नहीं पहना सकती क्योंकि उसको रैशेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत कम उसको पैम्पर पहना पाती हूँ मैं। अब ये देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ, अब मैंने पोछा लगा लिया, अब यहाँ आते आते देख लें मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते। मैंने पोछा लगाने के बाद उसके पापा के शूज़ भी धो दिए और जो है इसके जो थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे वो भी धो दिए। बस अब जो है मैं थोड़ा आराम करूँगी और बहुत थक गई, बहुत थक जाती हूँ इस टाइम तक मैं, अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम। गला भी बहुत ख़राब हो रहा है। चले हाफिज़।